सबको मेरा नमस्ते आ, ये सेशन में हम लोग आपको दो टुटोल दिखाने वाले हैं एक तो है कांगरू मदर केयर और दूसरा जो है वो कांगरू मदर केयर की जो बैग आती है तो कैसे आप यू नो स्टिच कर सकते हैं आ, बहुत ही बढ़िया टुटोल है दोनों वो दोनों ही बढ़िया टुटोल्स हैं जो पहला वाला टूटोल है के उसमें हम लोगों ने सिस्टमेटिकली आपको सिखाया हुआ है कि आ, कौन से बच्चों को आप के बच्चों को देना है एक तो जो ढाई किलो के नीचे के बच्चे हैं डेफिटली उनको देना है जो बच्चों को कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं है वो बच्चों को भी देना है आपको डेफिनेटली देना है जो, जो नॉर्मल बच्चे हैं तो, टू पॉइंट के के ऊपर के जो बच्चे हैं उनको भी आपको डेफिनेटली के आ, देना है और फायदा ही है और मतलब मुझे तो से फ़ायदे ही दिख रहे हैं आ, आ, उसके दो कंपोनेंट हैं एक तो स्किन टू तो स्किन टच मतलब जो तो चमड़ी से चमड़ी का जो टच होना वो और दूसरा है वो एक्चुअली ब्रेस्ट फीडिंग तो वो ब्रेस्ट फीडिंग का कंपोनेंट भी के में डेफिनेटली है आ, आ, आप देखेंगे कि जैसे ट्यूटोरियल में हमने बताया हुआ है कि आ, बच्चे का जो वजन है जब के से देते हैं तो ज़्यादा बढ़ता है आ, वजन बढ़ेगा लेकिन आ, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि बच्चे को माँ का दूध मिले अगर बच्चा पंद्रह सौ ग्राम के ऊपर है तो वो बच्चा डेफ़िनेटली स्तन पे डायरेक्टली जा सकता है टेक्निक सिखाना बहुत ज़रूरी है माँ को uh, माँ को uh, दूसरा कैसे अपना दूध निकालना वो भी टेक्निक से निकालना है प्रेस कंप्रेस रिलीज वो आप देखेंगे अगले सेशन में तो वो आप वो भी आपको सिखाना है uh, लेकिन uh, देखिए हम लोगों ने ये ट्यूटोरियल में दिखाया है कि कैसे आप बच्चे uh, को के आ, आ, दे सकते हैं आ, अलग अलग रीच सिखाई हुए है के एम सी की ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ़ माँ दे सकती है आ, दादी दे सकती है नानी दे सकती है दादा दादा आ, दादा नाना पिताजी सब सब दे सकते हैं ठीक है तो ये ये ध्यान में रहे कि ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ माँ को ही देना है लगभग सोलह से अठारह घंटा माँ या कोई भी है वो यू नो you know, केम से दे सकता है ठीक है तो आ, ये दोनों टुटोल देखें और आ, आ, सब लोगों को ये टुटोल आप फॉरवर्ड कीजिए सबको सबको ध्यान में होना चाहिए कि के एम सी ये चीज़ क्या है और कैसे के एम सी बैग बनानी है वो भी आपको सबको बताना है कि बहुत सस्ते में ये के एम सी बैग हो सकती है उस वो के एम सी बैग में हम लोगों ने टोपी कैसे टोपी के साथ ये के एम सी बैग है हमारे कलीग है डॉक्टर रोमेश खुराना उन्होंने ये हम लोग को मैंने जब भी देखा उनका बैग मुझे बहुत अच्छा लगा तो उन्होंने हम लोगों ने उनको इन्वाइट किया और आ, हम लोग को ये टुटोल उनकी जो टीम है आ, उनके द्वारा हम लोग को ये टुटोल मिले म, मिला हुआ है सो आप देखिए और सबको ये ये इंफॉर्मेशन है ठीक है धन्यवाद कंगारू मदर केयर के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कंगारू मदर केयर क्या है उसके अलग अलग भाग और महत्व और कंगारू मदर केयर का पूरा तरीका चलिए पहले शुरू करते हैं कंगारू मदर केयर की जानकारी के बारे में जैसा कि नाम सुझाव देता है इसमें शिशु को माँ के नंगे शरीर के साथ रखा जाता है और इसे के के नाम से भी जाना जाता है याद रखें कि के शिशु के जन्म के तुरंत बाद करना चाहिए ये खासकर उन कम वजन के शिशुओं के लिए सुझाया जाता है जिनका वजन जन्म के दौरान ढाई किलो से कम हो और जिनको लगातार निगरानी की जरूरत ना हो पर ये आम तंदुरुस्त शिशुओं के लिए भी किया जा सकता है के के दो भाग हैं: शिशु को लगातार लंबे समय तक मां के नंगे शरीर के साथ रखा जाना और सिर्फ स्तन कराना चलिए के के भागों के बारे में विस्तार में देखते हैं। पहला है माँ के नंगे शरीर के साथ रखा जाना जिससे लेट डाउन रिफ्लेक्स बेहतर होता है और जिस वजह से माँ का दूध ज्यादा बनता है लेट डाउन रिफ्लेक्स इसी श्रृंखला के एक अन्य ट्यूटोरियल में बताया गया है दूसरा भाग है स्तन पान कराना याद रखें कि पहले छह महीने तक शिशु को सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए अगला हम बात करेंगे कंगारू मदर केयर के महत्व की के में लंबे समय तक माँ के शरीर के साथ रखे जाने से शिशु के शरीर का सही तापमान बना रहता है और शिशु को भी सुरक्षित महसूस होता है के से कम होते हैं इन्फेक्शन की संभावना शिशुओं का सांस रुकना जिसे एपनिया कहते हैं एपनिया में शिशु का सांस लंबे समय तक रुक जाता है इसके अलावा के की वजह से स्तनपान कई दफे बार बार कराया जाता है और इससे माँ और शिशु का बंधन भी मजबूत होता है के से शिशु की मदद होती है वजन के बढ़ने में बाकी पारंपरिक तरीकों के मुकाबले जैसे कि शिशु को गर्म रखने वाली पेटी में रखना जिससे माँ और शिशु दोनों को तनाव होता है के एम सी माँ की संतुष्टि और आत्मविश्वास बढ़ता है जब वह अपने शिशु का खास ख्याल रखती है खास बात के एम सी की ये है कि इसे माँ के अलावा कोई और भी कर सकता है जैसे पिता या कोई बड़ा बुजुर्ग भी अब हम के एम सी करने वाले के ध्यान में रखने वाली बातें करेंगे के करने वाला तंदुरुस्त और हृष्ट पुष्ट होना चाहिए उसे खुद की साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए जैसे कि हाथ धोना रोज नहाना नाखून कटे होना बाल बंधे होना और साफ कपड़े पहनना उसे जेवर घड़ी या धागे नहीं पहनने चाहिए क्योंकि इन सब चीजों से खुद की स्वच्छता में कमी रह सकती है और इनसे शिशु को चोट भी लग सकती है अब हम बात करेंगे कि के करने वाले को किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए कपड़े ऐसे हों जो सामने से खुल पाए और हल्के हों जैसे कि साड़ी का ब्लाउज या फिर सामने से खुल पाने वाली मैक्सी ध्यान रखें कि के करने वाले को सामने से खुली मैक्सी या ब्लाउज के कपड़े के ऊपर पहनना चाहिए कंगारू थैले या फिर बाइंडर बाजार से भी खरीद सकते हैं अगर के लंबे समय तक करना हो तो ये फायदेमंद होते हैं इनके अलावा के करने वाला एक मुलायम साफ सूती कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकता है जबकि के के दौरान शिशु को एक टोपी और लंगोट पहनानी चाहिए अगर शिशु का मल या पिशाब निकल जाता है तो शिशु को अच्छे से साफ करके सुखाएं। अगला हम सीखेंगे कंगारू केयर करने का पूरा तरीका पहले माँ को एकदम सीधा खड़ा होना चाहिए फिर या तो स्वास्थ्य सेविका को या फिर परिवार के सदस्य को ये करना चाहिए शिशु के नितंब और सर को सहारा देकर उसे माँ के नंगे स्तनों के बीच में सीधा रखें, फिर शिशु का सर एक तरफ को घुमाएं। ध्यान दें कि उसका सर हल्के से पीछे की तरफ झुका हो इस स्थिति से उसकी नाक सांस लेने के लिए खुली रहेगी और वो माँ की आँखों को देख पाएगा अब शिशु के नितंब को थोड़ा सा बाहर धकेले याद से शिशु के हाथ माँ के स्तनों पर ही रखें, और टांगे माँ के स्तनों के नीचे शिशु का पेट माँ के सीने पर होना चाहिए कपड़े से लपेटने से पहले अगर मौसम ठंडा हो तो उसे कंबल में लपेटें। इससे माँ और शिशु दोनों गर्म रहेंगे फिर एक कपड़े से शिशु और माँ के सीने और उसके पेट को लपेटें। लपेटते हुए ये ध्यान दें कि कपड़े का बीच का भाग शिशु पर है और उसके दोनों सिरे माँ के बगलों में से निकलकर उसकी पीठ के पीछे बंद पाए उसके बाद फिर से कपड़े के दोनों सिरे सामने लाए और एक गांठ बांध लें शिशु के नितंब के बिल्कुल नीचे इससे शिशु को आराम मिलेगा और सहारा भी और वो फिसलेगा भी नहीं याद रखें, जब माँ आराम से के करने लगे तो उसे खुद से कपड़ा लपेटना सीखना चाहिए के करने के लिए खुद से कपड़ा लपेटने की तकनीक इसी श्रृंखला के एक अन्य ट्यूटोरियल में बताया जाएगा उससे माँ का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो खुद से के का कपड़ा लपेट पाएगी अगर कपड़े से माँ को तकलीफ हो तो वह खींचने वाला कपड़ा इस्तेमाल कर सकती है इसे आसानी से और आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। खींचने वाला कपड़ा इस्तेमाल करते हुए उसके किनारे शिशु के कान के ऊपर तक लाएं ताकि उसके सर को सहारा मिले फिर उसके सर को हल्का सा घुमाइए ताकि वो आराम से सांस ले सके और अपनी माँ को देख पाए जैसा की पहले बताया गया है लपेटने वाला कपड़ा या खींचने वाला कपड़ा न ज्यादा तंग और न ज्यादा ढीला होना चाहिए उनसे शिशु को सांस लेने में आसानी होनी चाहिए ध्यान रखें कि के करते हुए माँ ये सब कर पाए चलना खड़ा होना बैठना और अलग अलग काम कर पाना अगर माँ आराम से हो तो वो के करते हुए पूरी तरह लेटकर या फिर तकिया रखकर टेक लगाकर सो भी सकती है अब हम बात करेंगे के के दौरान स्तनपान कराने की स्तनपान कराने के लिए माँ लपेटे हुए कपड़े को ढीला करके शिशु को सही स्थिति में रखकर दूध पिला सकती है या फिर खुद अपने हाथ से दूध निकालकर शिशु को कप या चम्मच से पिला सकती है याद रखें हर रोज शिशु का वजन 25 से 30 ग्राम बढ़ना चाहिए शिशु का महीने में करीब 900 से हजार ग्राम वजन बढ़ना चाहिए इसलिए माँ या स्वास्थ्य सेविका को नियमित जांच के दौरान शिशु के वजन पर निगरानी रखनी चाहिए अगर शिशु का जरूरत के मुताबिक वजन ना बढ़े तो स्वास्थ्य सेविका को मां के स्तनपान कराने की तकनीक को देखना चाहिए या फिर देखना चाहिए शिशु कितनी बार पेशाब करता है और मां को मुँह की पकड़ की पूरी तकनीक समझानी चाहिए मुँह की पकड़ की सही तकनीक इसी श्रृंखला के एक अन्य ट्यूटोरियल में बताया गया है अब हम सीखेंगे शिशु को लपेटे हुए कपड़े में से कैसे निकाले पहले माँ को एकदम सीधे बैठना चाहिए फिर गांठ को एक हाथ से खोलना चाहिए और लपेटे हुए कपड़े के बाहर से शिशु के नितंब को सहारा देना चाहिए उसके बाद जिस हाथ से पहले गांठ खोली थी उसी हाथ से लपेटे हुए कपड़े को फिर शिशु के नितंब को सहारा देने वाले हाथ को कपड़े के नीचे से हटाएं। दूसरे हाथ से कपड़े के बाहर से शिशु के नितंब को सहारा दें, फिर लपेटे हुए कपड़े में से शिशु को निकाल लें अब याद से शिशु का सर इस तरह पकड़े कि अंगूठा एक कान के पीछे और उंगलियां दूसरे कान के पीछे हों। के करते हुए माँ को डॉक्टर या स्वास्थ्य सेविका की तुरंत सलाह लेनी चाहिए अगर शिशु सतर्क और चुस्त ना हो या फिर जल्दी जल्दी सांस ले रहा हो या फिर बहुत धीरे धीरे या शिशु के होंठ और जीभ नीले पड़ गए हों। या फिर उसके पैर ठंडे हों। कंगारू मदर केयर पर यह ट्यूटोरियल यहीं समाप्त तो होता है आईआईटी बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद टोपी के साथ कंगारू बैग बनाने के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कंगारू बैग के फायदे और टोपी के साथ इसे बनाने का तरीका चलिए शुरू करते हैं कंगारू बैग कंगारू मदर केयर या फिर के एम सी देने के लिए इस्तेमाल होता है इसके बारे में इसी श्रृंखला के एक अन्य ट्यूटोरियल में समझाया गया है कंगारू बैग से माँ के लिए के एम सी आसान हो जाता है माए प्राकृतिक तरीके से शिशु के शरीर का तापमान बरकरार रख सकती हैं। ऐसा माँ के स्तनों के बीच के रक्त संचार के बदलाव से हो पाता है और ये बदलाव माँ और शिशु के त्वचा से त्वचा के संपर्क से होता है त्वचा से त्वचा का संपर्क आसानी से लंबे समय तक कंगारू बैग से किया जा सकता है। इस बैग की वजह से माँ के हाथ खाली रह सकते हैं और शिशु का शरीर आसानी से माँ के सीने पर संभाला जा सकता है इससे माँ को कमर का दर्द नहीं होता कंगारू बैग हमेशा टोपी के साथ बनता है नवजात के सर से गर्माइश निकलती है टोपी नवजात के सर को ढककर शरीर की गर्माइश बनाए रखती है ये जरूरी है कि माँ के लिए दो कंगारू बैग बनाए जाएं। जब पहला धोकर सुखाया जाए तो दूसरा इस्तेमाल किया जा सकता है दो बैग बनाने के लिए चाहिए डेढ़ मीटर मुलायम फ्लैनल कपड़ा कैंची सिलाई मशीन चौक या पेन और इंच टेप नवजात के लिए बेहतर होता है मुलायम फ्लैनल कपड़ा ये उनकी नाजुक त्वचा पर चुभता नहीं है बाजार में ये अलग रंगों में और डिजाइन में मिलता है सबसे पहले कपड़े को एक बैग बनाने के लिए काटें। पहले फ्लैनल कपड़े को खोल लें और मेज पर लंबाई में रखें। जिस तरफ छपाई की गई हो वो नहीं दिखना चाहिए और जिस तरफ कुछ ना छपा हो वो दिखना चाहिए टेप से 60 सेंटीमीटर बैग की लंबाई के लिए नाप लें। चौक या पेन से निशान लगाएं। चौड़ाई के लिए 30 सेंटीमीटर नापें चौक या पेन से फिर निशान लगाएं। कैंची से निशान लगाई हुई लाइन को काटें अब 60 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर का कपड़ा कट कर तैयार है अब पैर डालने वाली थैली के लिए कपड़ा काटें कपड़े के निचले किनारे के एक सेंटीमीटर को आढ़ा मोड़ें। ये सिलाई के लिए चाहिए होगा फिर कपड़े को 15 सेंटीमीटर आधा मोड़े पैर डालने के थैली की लंबाई के लिए मोड़ने के बाद 15 सेंटीमीटर नापे अगला पैरों के थैली की मोरी खोलने के लिए कपड़ा काटें 15 सेंटीमीटर की थैली के मोड़ को खोले बिना कपड़े को लंबाई में आधा मोड़े मोड़ने के बाद जिस तरफ कुछ ना छपा हो वो बाहर होना चाहिए पंद्रह सेंटीमीटर के थैली के मोड़ के ऊपरी हिस्से से आठ सेंटीमीटर की लंबाई नापें कपड़ा जिस तरफ से खुला है उधर निशान लगाएं। कपड़ा जिस तरफ से मुड़ा हो वहां पर निचली तरफ चौड़ाई में आठ सेंटीमीटर नापें चौक या पेन से निशान लगाएं। अब दोनों निशान वक्र के रूप में जोड़ लें फिर कैंची से कपड़े को वक्र के निशान पर काटें अब लंबाई में मुड़े हुए कपड़े को खोल लें और जिस तरफ छपाई हो उस तरफ को बाहर रखें और लंबाई में आधा मोड़ें पर आड़ी तरफ से थैली को ना खोलें कपड़े की चारों तहों को ठीक से वकर में पकड़ें और फालतू कपड़े को काट दें ताकि शिशु के पैर थैली में से अच्छे से जा पाए अब कंगारू बैग के थैली बनाने की कटिंग का काम खत्म हुआ इसे अलग रख दें। अब बेल्ट के लिए कपड़ा काटेंगे कंगारू बैग में तीन बेल्ट होते हैं एक मां की गर्दन के आसपास लगती है बाकी दो उसकी कमर पर बंधते हैं बचे हुए फ्लैनल कपड़े से बेल्ट बनाएंगे बेल्ट की लंबाई के लिए 80 सेंटीमीटर नाप कर निशान लगाएं। चौड़ाई के लिए छह सेंटीमीटर नापकर निशान लगाएं। ऐसे तीन बेल्टों का कपड़ा काटें, फिर अलग रख दें। अब टोपी के लिए कपड़ा काटें। बचे हुए फ्लैनल कपड़े में से टोपी की लंबाई के लिए तीस सेंटीमीटर नापे चौक या पेन से निशान लगाएं। टोपी की चौड़ाई के लिए पंद्रह सेंटीमीटर नापकर निशान लगाएं। फिर लगाए हुए निशान पर कैंची से कपड़े को काट लें अब हमारे पास तीस सेंटीमीटर बाई पंद्रह सेंटीमीटर का टोपी का कपड़ा तैयार है अब सीखेंगे टोपी को सीलना टोपी के कपड़े को आड़ा रखकर बीच में मोड़ें मोड़ने के बाद जिस तरफ कुछ ना छपा हो वो बाहरी तरफ होना चाहिए कपड़े की दोनों तहों को मोड़े गए दोनों किनारों पर सील लें कपड़े के बाकी के दो किनारों को भी सील लें अब टोपी को बैग के साथ सील सकते हैं इसे एक तरफ रख दें। अगला है तीनों बेल्टों को बैग के साथ सीलना पहले बेल्टों को दाई तरफ से लंबाई में डेढ़ मोड़ें, फिर बाई तरफ से डेढ़ सेंटीमीटर मोड़ें। बेल्टों को मोड़ने के बाद जिस तरफ छपाई हो वो दिखनी चाहिए अब बेल्टों को लंबाई में बीच में से मोड़े पर आधे से जरा कम इस मोड़ में पहले के दो दाएं और बाएं मोड़ छिप जाने चाहिए तीन बार मोड़ने से बेल्टें मजबूत हो जाएंगी शिशु का वजन उठाने के लिए अब तीसरे मोड़ पर सीधी सिलाई लगाएं और मजबूती के लिए तीन बार आगे पीछे सिले बेल्टे अब तैयार हैं इन्हें अलग रख दें। अब बैग की थैली सी लेंगे देखिए ये वो कपड़ा है जो हमने थैली के लिए काटा था इस कपड़े को दाई और बाई ओर से आधे चांद के आकार में सिलें फिर थैली के ऊपरी आधे किनारे को सिलें पर सिलने से पहले दो बार मोड़ लें। दूसरा मोड़ पहले वाले से बड़ा होना चाहिए अब थैली तैयार है अगला है बेल्टों को थैली के साथ सीलना थैली को आढ़ा मोड़ें। जिस तरफ छपाई की गई हो वो बाहर होनी चाहिए बेल्ट को थैली के ऊपरी तरफ और निचले कपड़े के बीच में रखें किनारे से आधा इंच छोड़कर तीनों तहों को इकट्ठे सिलें तीन बार आगे पीछे सिलें ताकि बेल्ट अच्छे से जोड़ी जाए उसी तरह दूसरी बेल्ट थैली के ऊपरी कोने पर सिलें इस चित्र में थैली तैयार है और बेल्ट उससे जुड़ी है अब टोपी और तीसरी बेल्ट को बैग से जोड़ेंगे थैली के ऊपर के बचे हुए कपड़े को दोनों तरफ सिलें पर कपड़े को पूरी लंबाई में ना सिलें आखिरी सिरे से करीब आधा इंच छोड़ दें बेल्ट के एक सिरे को कपड़े की जिस तरफ छपाई हो वहां ऊपरी ओर रखें बेल्ट के उसी सिरे पर टोपी का एक कोना रखें ठीक से कपड़े के तीनों तहों को इकट्ठा पकड़ें तहों के ऊपरी ओर को कस कर मोड़ें। फिर दो से तीन बार सील लें अब कपड़े के आधे किनारे पर टोपी को सील दे हो सकता है कि टोपी की चौड़ाई कपड़े की चौड़ाई से ज्यादा हो अगर ऐसा हो तो एक छोटी सी प्लीट टोपी के कपड़े में बनाएं। सीलते हुए प्लीट को दबा कर पकड़ें, ताकि कपड़े और टोपी की तहें इकट्ठी हों। अब बेल्ट का दूसरा सिरा कपड़े के दूसरे सिरे पर रखें टोपी का दूसरा कोना बेल्ट के ऊपर रखें ठीक से तीनों तहों को पकड़ें इन तहों को ऊपरी तरफ से कसकर मोड़ लें फिर दो से तीन बार इकट्ठे सी लें। कपड़े की लंबाई के किनारे को अगर पहले ना सिला हो तो अब सील लें और फालतू धागों को काट दें। टोपी के साथ कंगारू बैग बनकर तैयार है इसी के साथ ये ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है आईआईटी बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद